तो एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने 10,000 लॉटरी टिकट है जिसपे 10 पे प्राइस है, हमने एक टिकट परचेस किया, आपके रिजल्ट नहीं आए यानी आपकी लॉटरी नहीं लगी, आपने दो टिकट परचेस किए फिर भी आपके नहीं लगी और 10 लिए फिर भी आपके नहीं लगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ टिकट्स आर सोल्ड 10,000, नंबर ऑफ प्राइजेस अवार्डेड 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइस इफ यू बाय वन टिकट, इफ वी बाय वन टिकट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइस इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके प्राइस आएगा। देखिए टोटल कितने अवार्ड हैं प्राइस के लिए 10 में से इसका मतलब कोई भी आपको एक मिल सकता है, तो फेवर में रिजल्ट कितने हैं 10C1, टोटल रिजल्ट कितने होंगे 10,000C1, 10C1 इज व्हाट 10/10,000 कैंसिल हो गया 0 से 0, बट वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस का मतलब नॉट गेटिंग प्राइस 1 - 1/1000 कितना होता है 999/1000। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ वी बाय टू टिकट्स, अगर हमने दो टिकट परचेस किए तो दोनों पे ही प्राइस नहीं आएगा तो कितना होगा भाई। देखिए इफ वी बाय टू टिकट्स एंड नॉट गेटिंग प्राइस, भाई हमने दो टिकट परचेस किए और हमारे प्राइस नहीं है, तो भाई प्राइस आने की कितनी कंडीशन है 10 है ना, तो 10,000 में से 10 माइनस कर रहे हैं नॉट गेटिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा 10,000 - 10 दैट इज 9,990। अब अगर इनमें से कोई भी आप दो टिकट परचेस करोगे तो आपके रिजल्ट आएगा ही नहीं ना, लॉटरी लगेगी नहीं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व नहीं करना, जो है वैसे ही छोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इफ यू बाय 10 टिकट्स सिमिलरली सी इफ वी बाय 10 टिकट्स, मान लीजिए अब हमने 10 टिकट परचेस किया और हमारे प्राइस नहीं आए तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, C10/10,000 C10 बस लिमिट छोड़ दीजिएगा, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। जरा भी पेन नहीं लेना है, क्वेश्चन की फीलिंग को समझना है, क्वेश्चन को पेशेंस से पढ़ना है, उसके बाद हम मर्जी जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मैं और मेरा दोस्त आई एंड माई फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हम दोनों सेम सेक्शन में होंगे या हम दोनों डिफरेंट सेक्शन में होंगे। अगर एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स है और दूसरे सेक्शन के अंदर 60 स्टूडेंट्स है, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि या तो मैं और मेरा दोस्त सेम सेक्शन 40 वाले में होंगे, या मैं और मेरा दोस्त सेम सेक्शन 60 वाले में होंगे, या हम दोनों अलग अलग सेक्शन से बिलोंग कर सकते हैं, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है।
तो कैसे बताएंगे, देखिएगा, माई फ्रेंड एंड आई आर एमंग द 100 स्टूडेंट्स. My friend and I are among the 100 students. मैं और मेरा दोस्त 100 जनों में से हैं. तो हम दोनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वेज of selecting two students out of 100 students is what 100C2 कितनी हो जाएगी? 100C2 हो जाएगी. ठीक है. अब वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू बोथ आर एंटर द सेम सेक्शन. तो इफ वी आर इन सेम सेक्शन, यानी हम दोनों एक ही सेक्शन में हैं, तो क्या होगा? या तो हम दोनों 40 में से किसी एक सेक्शन में होंगे और 100 में से ही हम दोनों स्टूडेंट्स होंगे, आइदर 60 वाले सेक्शन में होंगे और 100C2. बट 100C2 को एलसीएम लिया जा सकता है. यहाँ आ जाएगा 40C2 प्लस 60C2. इसको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. तो 40C2 प्लस 60C2 ओवर 100C2. ठीक है, देखिए करते हैं इसको सॉल्व. देखिए 40C2 का मतलब आप समझ ही गए होंगे, 40 × 39 ओवर 12 प्लस 60 × 59 अपॉन में 100 × 99 अपॉन में 1 × 2. तो देखिए 1 × 2 1 × 2 दोनों से क्या हो गया? नीचे से ऊपर एलसीएम आके इससे कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? 40 × 39 प्लस 60 × 59 डिवाइडेड बाय 100 × 99. देखिए इन दोनों में से एक तो 10 कॉमन आ रहा है, ठीक है जी, और क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? 3. तो 10 × 3 कॉमन ले लोगे, यहां से 10 12 आ गया तो क्या बच गया? 4. यहां से 3 कॉमन आ गया तो कितना बच गया? 13. यहां से 10 12 आ गया तो 6 बचेगा, लेकिन 6 में से भी 3 बार आ गया तो 2 × 59. तो ये कैंसिल हो गया, इससे इसको सॉल्व किया, 13 × 4 = 52 प्लस 9 × 2 = 18 का 8 = 1, 2 × 10 = 11 ओवर कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 0. फिर देखिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको. सॉरी 170 आएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? 17/30. अब मान लीजिए हमारे को क्या कह दिया जाए कि हम दोनों डिफरेंट सेक्शन में आते हों. इफ वी आर इन डिफरेंट सेक्शन, तो क्या होगा? देखिए मैं 40 में से या तो मैं एक सेक्शन में होऊंगा तो मेरा फ्रेंड नेचुरल सी बात है 60 वाले में से एक होगा, बट होंगे तो 100 में से. इसको सॉल्व कर लेंगे, 40C1 × 100C60C1 कितना होता है? 40 × 60 ये हो जाएगा जी अपॉन में 100 × 99 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 × 2.
तो इस 2 को ऊपर ले जाएंगे हम और 0 से 0 काट देंगे, तो कितना होगा 40 × 60 × 2 / 100 × 3 से कैंसिल हो जाएगा 33, 4 × 2 = 16 / 33 आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड एंड 3 एनवलप्स जिनके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है आप सॉरी एक्सक्यूज मी, तो आपको यह बताना है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक लेटर अपने सही वाले एनवलप में जाएगा, कम से कम एक, दैट मींस एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवलप। ओके लेट्स स्टार्ट एंड लेट L1 L2 L3 बी द 3 लेटर्स। मान लीजिए एक एनवलप है E1, दूसरा एनवलप हो गया E2 और तीसरा एनवलप क्या हो गया E3। इस पे कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, यहां पर भी कुछ ना कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है जी। L1 लेटर है, ये लेटर L2 है और ये लेटर L3 है। अब देखिए अपने को कंडीशंस बतानी है कि कम से कम एक सही सही एनवलप में जाए। मान लीजिए ये E1 एनवलप है, ये E2 वाला एनवलप है और ये कौन सा है E3। हमने मान लिया L1 जो है अपने प्रॉपर एनवलप E1 में चला गया, L1 जो है अपने प्रॉपर एनवलप E1 में चला गया, बट L2 और L3 आपस में इंटरचेंज हो गए, तो एक कंडीशन ये होगी कि ये सही नहीं है। 0 मींस क्या, चलिए क्रॉस लगा देते कि ये अपने प्रॉपर एनवलप में नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि L2 अपने प्रॉपर एनवलप में हो बट E3 और E1 ना हो। सिमिलरली L3 अपने प्रॉपर E3 एनवलप में है बट L1 और L2 अपने प्रॉपर एनवलप में नहीं। एक सिचुएशन ये होगी कि L1 जो है E1 में जाए और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, तो मतलब सही सही नहीं। L2 अपने प्रॉपर एनवलप में है बट L1 और L3 अलग अलग एनवलप में चले गए, अपने वाले में नहीं गए। सिमिलरली L3 लेटर जो है एनवलप 3 में चला गया बट एनवलप 1 और एनवलप 2 में चेंज हो गया। दूसरी कंडीशन एक ये हो सकती है कि L1 जो है E1 में चला जाए, L2 E2 में चला जाए, तो L3 वाला ऑटोमेटिकली अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 में से कोई भी 2 लेटर, 3 में से कोई भी 2 लेटर अगर अपने सही सही एनवलप में चले जाएंगे तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मेरे फेवर में ऐसी कितनी सिचुएशन है, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 4, ठीक है जी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 4। टोटल लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, देखिए हम टोटल लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 6 वे से, ठीक है जी। टोटल लेटर्स कैन बी अरेंज्ड बाय फैक्टोरियल 3 वेज,
स्पेक्ट्रल थ्री वेज का मतलब कितना हो गया, 6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमारे फेवर में टोटल आउटकम कितने भी क्या हो, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो बाय, ठीक है जी, ये हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7-8 में एक टेबल बनी हुई है जिसमें इस टेबल में कुछ मेल और फीमेल है और कुछ की एज, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, कुछ की एज 35 से ऊपर है। हमारे से क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको उन स्पोक्स पर्सन में से एक कैंडिडेट को चुनना है, व्हाट विल बी द आइदर मेल और ओवर 35 इयर्स, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो या तो एक मेल होगा या उसकी एज 35 से अबव होगी। तो हमने क्या मान लिया, लेट ई बी द इवेंट स्पोक्स पर्सन विल बी अ मेल, हमने मान लिया वो इवेंट है जिसमें स्पोक्स पर्सन एक मेल होगा, तो हमारे पास कितने मेल है, 3। एफ बी द इवेंट That spokesperson will be over 35 years of age. तो हमारे पास कितने हैं, 2। लेकिन सलीम उनमें से एक ऐसा है जो मेल भी है और उसकी एज 35 से ऊपर है, यानी कि 41 टेबल में दे रखी है। तो हमें क्वेश्चन पूछा या तो वो मेल होनी चाहिए या उसकी एज 35 से अबव होनी चाहिए। तो PE यूनियन F, probability of happening E plus probability of happening F minus probability of happening E and F both. सॉल्व करने पे कितना आ गया हमारे पास, 4/5। लास्ट 9 मिनट बचे हैं, 2 क्वेश्चन फटाफट कर लेते फिर ध्रुव गौड़ जी का डाउट सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए। If 4 digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? अगर digits repeated होती हैं, तो इस बात की क्या probability है कि वो number 5 से divisible है और 5000 से बड़ा भी है? ठीक है जी, करते हैं। 0, 1, 3, 5 and 7 यूजिंग द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7। 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म ग्रेटर देन 5000 बट इट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है, एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 5000 से बड़ा होना चाहिए और वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो इफ डिजिट्स आर रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीटेड हो सकती है तो देखिए और ध्यान से समझिएगा, बट 5000 से बड़े फर्स्ट प्लेस को मैं कितने वे से फिल कर सकता हूँ, आइदर 5 और 7। 1000 प्लेस कैन बी फिल बाय एनी ऑफ 5 और 7, देयरफॉर वी हैव 2 चॉइसेस टू फिल द 1000 प्लेस, बट डिजिट्स आर रिपीटेड, तो सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस और लास्ट प्लेस को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, 5 5 5, तो कितना आ जाएगा, 250। कितना आ जाएगा, 250। बट इसमें क्या होगा, एक समस्या हो जाएगी, टेक्निकल एरर क्या है कि आपको नंबर चाहिए 5000 से बड़ा, डिजिट रिपीट भी हो सकती है। मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया 5 को यहां पर, अब डिजिट रिपीट हो रही है तो 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 5000। बट हमें 5000 लेना नहीं है, तो वो क्या करेंगे, 250 में से एक कम कर देंगे, बट 5000 कैन नॉट बी काउंटेड।
बी काउंटेड. देयरफॉर टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे जी? टू फिफ्टी माइनस वन दैट इज 249. अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि डिजिट क्या हो सकती है, पांच से डिविजिबल भी तो होनी चाहिए. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फिर बॉक्स मेथड लगाएंगे, चार बॉक्स बनाएंगे. फर्स्ट प्लेस को मैं कितने वे से फिल कर सकता हूँ भाई? फाइव और सेवन किसी भी वे से कर सकता हूँ, क्योंकि 5000 से बड़ा नंबर चाहिए, डिजिट रिपीट भी हो सकती है. तो लास्ट वाले प्लेस पे क्या आ सकता है? जीरो और फाइव में से कोई भी नंबर आ सकता है. तो लास्ट प्लेस को मैं कितने वे से फिल कर सकता हूँ? दो. फिर रिपीट हो सकती है डिजिट, तो कितना आ गया? 100. बट माइनस फाइव करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? फिर वही बात हो जाएगी, हमें 5000 से बड़ा नंबर चाहिए. मान लो यहाँ 5 बैठ गया, यहाँ रिपीटेशन 0, यहाँ 0 और पीछे 0, तो नंबर क्या बन जाएगा? 5000. वो हमें लेना नहीं, हमें तो उससे बड़े नंबर. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 99/249. देखिए डिजिट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, बट 5000 से बड़े नंबर चाहिए. तो फर्स्ट प्लेस को तो आप 5 या 7 में से किसी से भी फिल कर सकते हो. अब हमारे पास 2-5 में से एक नंबर तो फिल हो गया, पीछे कितने नंबर बचे? 4, फिर 3, फिर 2, तो कितने हो जाएंगे? 48. जो होंगे वो क्या होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे. अब हमें क्या कहा जा रहा है वो देखिए. आगे 5 को फिक्स कर दिया और पीछे 0 को फिक्स कर दिया, क्योंकि हमें 5000 से बड़े नंबर चाहिए और 5 से डिविजिबल चाहिए. 5 में से 2 नंबर फिक्स हो गए, 3 और 2, कितना हो गया भाई? 6. एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, आगे 7 को फिक्स कर दिया जाए बट पीछे 0 और 5, 2 वे, तो टोटल कितने बचे? 3 और 2 और 2, तो कितने हो गए? 12. तो फेवर में रिजल्ट कितने हो गए? 18. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 18/48, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 3/8.